जो कि नहीं होना चाहिए। एके मिश्रा सर, क्या लगता है कि जो एजेंडा चलाया जा रहा है, हर पार्टियां एजेंडा चला रही है, मैं किसी एक पार्टी को टारगेट नहीं कर रही, सारी पार्टियां एजेंडा चला रही है, सारी पार्टियों को जीतना भी है क्योंकि जीतने के लिए ही लड़ रहे हैं, 2024 का चुनाव है आपको पता ही है, और हर तरह से कुछ ना कुछ, तुम सही मैं गलत, मैं सही तुम सही। लेकिन मणिपुर की घटना को ले लेते हैं, प्रधानमंत्री जी वास्तव में बहुत अच्छे हैं, बहुत ही दिल से अच्छे हैं, लेकिन क्या मणिपुर के लिए 36 सेकंड बोलना सही था? क्या उसके अलावा भी बोल सकते थे वो? इस जी सेकंड बोला सुष्मिता, देखिए इस चीज पर सवाल उठाना, जो लोग ये बोल रहे हैं कि आपने केवल 36 सेकंड बोला, अरे प्रधानमंत्री या कोई भी जो जिम्मेदार आदमी है वो क्या उम्मीद करते हैं कि 3 घंटे की फिल्म की जैसे डायलॉग बोला जाता है, क्या उस तरीके से डायलॉग बोला जाए? क्या एक्शन होना ज्यादा जरूरी है? प्रधानमंत्री का जो डिसीजन लेना है, जो उनको कार्रवाई करनी है, वो एक लाइन में भी बोला जा सकता है? तो 36 नहीं, मैं बोलता हूं कि अगर वो 36,000 सेकंड बोल देते तो क्या जो है चीजों में, मतलब अब मीडिया वाले या जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं वो संतुष्ट हो जाएंगे? मैं बोल रहा हूँ सुबह से शाम तक वो बोलते कि हाँ भाई ये खराब है, ये गलत है, हम एक्शन लेंगे, ऐसे होगा वैसे होगा। तो उससे क्या होता, बोलना उतना ही चाहिए। और ये कोई बहुत अच्छी घटना नहीं थी, जिस हिसाब से कुछ मीडिया वाले ऐसी उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि शायद अपने एग्जाम में अगर प्रश्न का व्याख्या उन्होंने ऐसे किया होता तो कहीं और बैठे बैठे रहते, बेरोजगार नहीं होते। तो घटना कोई बहुत अच्छी नहीं थी, उस पर गंभीरता से और जिम्मेदारी से बोलना चाहिए देश के नागरिक को और देश के प्रधानमंत्री या किसी भी व्यक्ति को। सारगर्भित तरीके से आपने 36 सेकंड बोला, उसके बाद एक्शन वहां पे दिखना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी है, रेदर देन कि आप उसी चीज को बार बार रिपीट करके एक निगेटिविटी पूरे समाज में फैलाते रहिए। तो एक्शन की बात उन्होंने बोली, एक्शन लेने के लिए जितना बोलना चाहिए था उस घटना के लिए वो सही था। इससे ज्यादा तो मैं बोलता हूँ विपक्ष को भी नहीं बोलना चाहिए था, एक्शन करके दिखाया। विपक्ष भी अगर है कहीं पे भी, राजस्थान, और 36 सेकंड की आप बात करती हैं, ममता दीदी तो 3.6 सेकंड भी नहीं बोली होंगी। राजस्थान में गहलोत का पालघर में हत्या हो गई, वहां पे तो कोई नहीं बोला, वो 3 सेकंड भी नहीं बोले होंगे आज तक। और खुद कांग्रेस के जो हेड है, या आप, मैं चुनौती देता हूँ ऐसी घटनाओं पे बोले ना, कन्हैया कुमार के लिए हमारे सर बोल रहे थे बहुत अच्छे ओरिएटर है, बोले ना जरा बंगाल की महिलाओं के साथ क्या हुआ, देखता हूँ कितने सेकंड बोल लेते हैं और उनके कितने अच्छे ओरिएटर हैं, बोले बंगाल की महिलाओं के साथ क्या हुआ, राजस्थान में क्या हुआ। तो ये बोलना 36 सेकंड, सर, छत्तीस एक सेकेंड मिनट नहीं, एक लाइन केवल बोलना चाहिए था और उसके बाद एक्शन शुरू होना चाहिए। आपने कहा 36 सेकंड बोलना जरूरी नहीं था, क्योंकि 36 सेकंड ना बोल के एक्शन लिया। एक्शन क्या लिया गया वहां पे अभी तक? देखिए अपने यहाँ विधि में जो तरीके हैं, मैं विधि का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूं, वहां के मुख्यमंत्री ने भी बोला गिरफ्तारियां हुई, जो 2-4 मेन एक्यूज था वो इमीडिएट पकड़ा गया था इस घटना के बाद, जब ये सारी मीडिया में हल्ला मचा उसके साथ ही पकड़े गए। अब उसके बाद भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है, सही या गलत है मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो विधिक प्रक्रिया है वो सभी को पता है। अब उस प्रक्रिया में वो चीज चली गई है तो वो अपने प्रोसेस के हिसाब से होगा, कल उसका रिजल्ट आएगा। अच्छा मान लीजिए रिजल्ट आता है तो यहाँ तो अपील पे अपील होती है, लोअर कोर्ट से फिर हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। इसके पहले भी जो घटना है, देखिए इस तरह की घटनाएं समाज में किसी को भी पीड़ा हो, किसी की भी हत्या हो, कोई बुरा बर्ताव हो, मैं इसको फेवर नहीं करता हूँ, लेकिन यहाँ पे ऐसे प्रोसीजर होते हैं कि 20 20 साल, 25 25 साल डिसीजन लेने में लग जाते हैं, तो ये प्रोसीजर की जो है गलती है। मैं बोलूंगा कि आजादी के बाद से हम अपने प्रोसीजर को अभी तक दुरुस्त क्यों नहीं कर पाए हैं। अभी एक घटना यूपी में हुई है जिसकी मैं तारीफ करूंगा, 2 3 दिन पहले कोई एक जिहादी था, उसने जो है 4 साल की बच्ची के साथ रेप किया था, 2.5 महीने में, यानी 72 या 75 दिन के भीतर वो जो है साक्ष्य वगैरह रख के उसको फांसी की सजा सुनाई गई है, किसी मीडिया पक्ष विपक्ष के पत्रकार ने इसको नहीं दिखाया। तो इस तरीके से होना चाहिए, ये एक नजीर है, ये पूरे देश में होना चाहिए। बीवत घटनाएं क्या, छोटी छोटी घटनाओं के लिए भी आदमी जब न्याय के लिए जाता है तो जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी उस पे एक्शन होना चाहिए और मिलना चाहिए, चाहे सरकार पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो।
आखिरी सवाल मैं एके मिश्रा सर आपसे ही लूंगी, क्योंकि आपने जिस तरह से बातें की हैं वो कहीं ना कहीं चीजें सही नहीं लगी हमें, मुझे बिल्कुल नहीं सही लगी, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए आपने एकदम सपोर्ट सिस्टम बना दिया, राजस्थान छत्तीसगढ़ कहीं भी हो महिलाओं के लिए वो बहुत ही खराब चीज है, और ये चीज बोलने के लिए कम से कम हिम्मत होनी चाहिए एक प्रधानमंत्री को, सामने कैमरे के सामने, कैमरा जीवी बनने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री को मुंह से बोलना चाहिए महिलाओं के लिए, जो कि अक्सर होता रहा। जी जी बोलिए। देखिए सुष्मिता, मैंने बहुत गंभीरता से बोला था कि किसी भी तरीके का अन्याय, मैं तो उस देश की या उस समाज की परिकल्पना करता हूँ जहाँ पे किसी भी तरीके की अन्याय या जो है पीड़ा जो है किसी इंसान तो छोड़िए जानवर को भी नहीं होना चाहिए। किसी का व्यक्तिगत क्रोध हो सकता है सत्ता पक्ष या विपक्ष के लिए, वो मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको याद दिलाना व्यक्तिगत चाहूंगा नहीं है, भी, व्यक्तिगत नहीं है सर, वो हमारे पड़ोसी नहीं है कि सुनिए हमारे यहाँ से कोई चीज चुरा के ले गए, वो देश नहीं है, देश नहीं चला रहे हैं, देश में तो गुस्सा होना जायज है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, जो विपक्ष में जितनी भी पार्टियां हैं उसी में एक पार्टी के नेता हुए थे, उन्होंने स्थापना की थी और मुख्यमंत्री भी थे, और रिकॉर्ड पे है आज भी, आप देख लीजिएगा, यूट्यूब पे ढूंढिएगा, उन्होंने बोला था लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं, वो सारा वीडियो देखिएगा, उस पर किसी का क्यों नहीं मुंह खुल रहा है, पहली चीज। और बात आप बोलते हैं कि यहां से वहां की क्यों कर रहे हैं, केवल वहां की करिए, ये भारत है 5,000 साल पहले से। अभी सर ने भी उदाहरण दिया, द्रौपदी का नाम लिया, तो क्यों द्रौपदी और महाभारत के टाइम का नाम ले रहे हैं? 70 साल हो गए, कश्मीर में क्या हुआ क्यों नहीं कोई आज तक कोई मीडिया नहीं दिखाई? वहां की महिलाएं महिलाएं नहीं थी? आज चरित्र की बात करते हैं बैठ करके ये लोग, इनको शर्म नहीं आती है? 70 साल तक क्यों चुप रहे ये लोग? और आज दर्द हो रहा है इनको, वहां एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, और बहुत 50 जगह मैं ये बोलूंगा जहां पे कि कार्रवाई नहीं हुई जो सर है, सर सर एके मिश्रा सर, एके और मिश्रा केवल सर, आरोप लगा सुनिए सुनिए देंगे। सुनिए 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 सुनिए, ये चीजें हो चुकी है, इस पे बहस हाँ, हुआ है, इसलिए छोड़ मुद्दा दिया जाए, भी बनाया गया है, इसलिए छोड़ दिया नहीं जाए, छोड़ा हाँ नहीं गया, छोड़ा नहीं इसीलिए गया, छोड़ दिया जाए। छोड़ा वहां पे नहीं जिनके गया, साथ ये हुआ आप, था उनको दर्द नहीं हुआ, ये वो आपकी मां गलत, बेटियां नहीं थी, ये उनके आपकी परिवार गलत नहीं फहमी थे, है सर, ये इसलिए उसको छोड़ा जाने नहीं दिया गया है, जाए। ये छोड़ा नहीं गया है, इसीलिए सत्ता में इसलिए नहीं है, इसीलिए उस सत्ता समय में के नहीं है लोगों को सरकार। और आरोपियों को कटघरे में खड़ा ना किया जाए। अगर वो कटघरे में नहीं होते तो सत्ता में होते, अभी सत्ता में नहीं है, उनको इसीलिए हटाया गया अरे कि कहीं ना 70 साल कहीं उन्होंने सत्ता नाकामी भोगी थी, है, उन्होंने कहीं ना क्यों, कहीं। उन्होंने कैसे सत्ता, आज आकर के वो, मैं बोलता हूँ चलिए आज आकर के माफी मांग ले, मनमोहन सिंह ने माफी मांगा था ना सरदारों के साथ, सिखों के साथ जो हुआ, आज फिर आकर के माफी मांग ले विपक्ष के, कि कश्मीर में पंडितों के साथ माफी जो मांग हुआ चुके फिर से, क्या? अरे जो अभी की बात है आप उस पर चर्चा नहीं कर नहीं, रहे, कश्मीर कश्मीर अभी की में जो जो चर्चा हो रही है युवतियों आप के उस पर साथ चर्चा नहीं हुआ, कर रहे, या आप कहाँ 500, चले मैं जा तो रहे बोलता सर। हूँ ना, सारे पार्टी के लोग आकर के माफी मांगे, पहले की जो सरकारें थी माफी मांगे, यहाँ पे सवाल जो आप बोल रही, 36 सेकंड एक्शन होना, मैं बोलता हूँ भाई ये वाद विवाद बंद करिए, क्रिया प्रतिक्रिया देना बंद करिए, सरकारें एक्शन क्यों नहीं लेती? ममता बनर्जी के मुंह में तो क्यों नहीं आप इतना एडवोकेसी ममता बनर्जी के लिए करती हैं, कि आप क्यों नहीं बोल रही हैं उनसे भी? उनसे तो एक एक शब्द उनके मुंह से निकलवाइए, है हिम्मत किसी मीडिया में, है हिम्मत किसी प्रवक्ता में कि एक शब्द उनके मुंह से ममता निकलवा दे? बनर्जी, बंगाल की बात वहां की होती है, अभी जो बात हो रही वहां है, की बात ये नहीं जो करेंगे, मुद्दा क्योंकि है, जो वहां मुद्दा, वहां की भी बात वहां होगी, वहां की बात वो होगी, लेकिन भारत नहीं है। जिस नहीं नहीं तरह मणिपुर कहां, में हुआ वो अरे कहीं साल हुआ है। भर हो गए, साल नहीं, आप 4 साल 5 साल से सरकार है, आज तक क्यों, आज तक बात नहीं हुई? शुभ मुहूर्त देख सर के सर बात करेंगे? आपसे बहस करना इस वक्त मुझे लगता है कि काफी ज्यादा सही नहीं है, क्योंकि आप चीजें समझ नहीं रहे हैं, और चीजें जो बोलना चाह रहे हैं आप अपना बोल के चले जाएंगे, लेकिन हमारे चैनल की एक प्राथमिकता नहीं, रही है, मैं किसी और के हिसाब से चीजें मैं नहीं समझूंगा, नहीं, मेरे नहीं लिए किसी के मणिपुर के हिसाब से लिए नहीं भी समझ, दर्द है, बंगाल के मणिपुर, लिए भी है, मणिपुर की और बात पूरी हो रही थी, दुनिया में बंगाल अगर की भी कहीं बात होती अन्याय तो मैं होता है उसमें तो भी, दर्द है। नहीं, हाँ, अगर मैं किसी राजस्थान के की बात होती चश्मे तो से मैं चीजों को उसपे नहीं भी बोलती, समझूंगा। बंगाल की बात होती तो उसपे भी बोलती, और किसी भी चीज में महिलाओं के लिए नहीं, बात होती तो मैं मैं उसपे वहां भी के बोलती। मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं बोल आप रही किसी है? को ये नहीं कह सकते उनको कि नहीं पता है राजस्थान क्या में नहीं चीज बोला, होती है? बंगाल में क्यों नहीं बोला, नहीं वहां पे डिमांड हो सॉरी रही है कि सर, भाई वहां की भी करिए? यहाँ पे तो एक्शन शुरू हो गया। तो आपने जैसा देखा, बहुत बहुत धन्यवाद एके सर आपका भी, नीरज सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये चर्चा यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप देख रहे थे जिस तरह से कन्हैया कुमार पे जो आरोप लगे थे, जो आरोप लगाए जाते रहे, वो कहीं ना कहीं इस वीडियो से उजागर हुए हैं,
और कैसा लगा ये लाइव आप जरूर बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। मैं सुष्मिता, नमस्कार।